बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर टेन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लूड की एन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के एग्जांपल्स की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं एक्सप्लेन वाई ए पार्ट है द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन इज ग्रेटर एट द फीट देन एट द ब्रेन यह हमें बताना है कि ह्यूमन बींग के पैरों का जो ब्लड प्रेशर है वो उनके ब्रेन के कंपेरिजन में ज़्यादा क्यों होता है तो पैरों का प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है ये हम सीधे सीधे इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं P इज इक्वल टू एच ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है अब किसी ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो हम उसमें एक ब्लड कॉलम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ब्लड एक ऐसे इस तरह से कॉलम में है तो जैसे जैसे इसमें नीचे की तरफ जाएंगे एच की वैल्यू बढ़ेगी मतलब ब्लड जो फोर्स लगा रहा है वो बढ़ता जाएगा तो मीन्स प्रेशर भी बढ़ता जाएगा तो ब्रेन पे कम होगा और फीट पे ज़्यादा प्रेशर होगा तो हम इस फॉर्मूले से ये इजीली समझ सकते हैं अब देखते हैं बच्चों बी पार्ट एटमोसफेरिक प्रेशर एट अ हाइट अबाउट सिक्स किलोमीटर डिक्रीज टू नियरली हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट सी लेवल दो द हाइट ऑफ एटमोसफियर इज मोर देन हंड्रेड किलोमीटर बच्चों यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो एटमोसफेयरिक प्रेशर है वो सी लेवल के कंपैरिजन में जब सिक्स किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं अर्थ की सरफेस पर तो जस्ट हाफ़ हो जाता है मतलब सी लेवल पर हम वन ए प्रेशर मान रहे हैं तो सिक्स किलोमीटर ऊपर जाएंगे अर्थ की सरफेस से तो ये प्रेशर वन बाय टू ए रह जाएगा जस्ट हाफ़ हो जाएगा तो इस तरीके से ये जो प्रेशर है इसको ट्वेल्व किलोमीटर पर ही एंड हो जाना चाहिए एटमोसफियरिक प्रेशर मतलब जो हमारा एटमोसफेयर है उसकी हाइट जस्ट 12 किलोमीटर तक ही होनी चाहिए लेकिन ये तो हंड्रेड किलोमीटर तक होता है तो ऐसा कैसे होता है तो बच्चों जो डेंसिटी है एयर की वो लीनियर तो है नहीं जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे हमें पता है कि जो हमारा एटमोसफेयर है एटमोसफेयर में जो गैसेज़ हैं वो रेयर होती जाती हैं मतलब डेंसिटी है वो कम होती जाती है एटमॉस्फेयर की जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं अर्थ की सरफेस पर तो अगर डेंसिटी कम हो रही है तो प्रेशर भी कम हो जाएगा क्योंकि P इज़ इक्वल टू एच रो जी साथ में g की वैल्यू भी हमें पता है कि हाइट के साथ डिक्रीज होती है तो इसलिए जो प्रेशर है वो हाइट के साथ लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा ग्राफ इसका कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होता जाए तो ये कोई लीनियर रिलेशन नहीं है तो ये रिलेशन हम इस तरीके से देख सकते हैं प्रेशर का हाइट के साथ पी इज इक्वल टू पी ए रेज टू दावर मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको ले रहे हैं माइनस अल्फा एच यहाँ पर एच तो हाइट है जितनी हाइट पर प्रेशर देख रहे हैं एल्फा एक ये कॉन्स्टेंट है और ये है पी ए सी लेवल पर एटमोसफेयरिक प्रेशर ये एच हाइट पर प्रेशर है तो जब हम इनका ग्राफ बनाते हैं तो ये इस तरीके से आता है मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आता है तो लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है धीरे धीरे ये डिक्रीज होता है इसलिए ये हंड्रेड किलोमीटर्स तक हो सकता है तो ठीक है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हंड्रेड किलोमीटर्स से भी ज़्यादा तक कैसे पॉसिबल है अब देखते हैं सी पार्ट बच्चों हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी इवन दो प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया यहाँ हमें बताना है कि प्रेशर को हम स्केलर क्वांटिटी कैसे बोल देते हैं जबकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है और फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है तो प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है बच्चों पासकल्स लॉ में हमने ये पढ़ा है कि जो प्रेशर है वो सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है इनसाइड द लिक्विड ठीक है ना किसी लिक्विड पर प्रेशर लगाया जाता है तो वो सभी डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाता है तो इसका मतलब किसी एक डायरेक्शन में तो प्रेशर नहीं लग रहा है तो कोई एक फिक्स डायरेक्शन प्रेशर की है नहीं इसलिए प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी होगा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा ठीक ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर वन अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू एक्सप्लेन वाई ए पार्ट है द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मर्करी विद ग्लास इज ऑप्टूज बाइल दैट ऑफ वाटर विद ग्लास इज एक्यूट बच्चों ये एंगल ऑफ़ कॉन्टेक्ट क्या होता है पहले हम इसको देख लेते हैं तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है कि टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच में बनने वाला एंगल और सॉलिड सरफेस कौन सी होनी चाहिए जो लिक्विड के अंदर हो ये बाहर वाली सरफेस नहीं होनी चाहिए तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने मरकरी लिया है अब मरकरी के लिए जो उसकी फ्री सरफेस होती है वो कॉन्वेक्स हो जाती है कॉन्वेक्स सरफेस होती है तो जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से और इधर ये सॉलिड सरफेस की इधर तो जो एंगल बनता है वो ऑप्टूज एंगल बनता है अब इसका रीज़न क्या है कि ये सरफेस ऐसे कर्ड सरफेस कॉन्वेक्स जो है कॉन्वेक्स शेप क्यों ले लेती है तो बच्चों इसको हम समझेंगे कोहेसिव और एडहसिव फोर्स की हेल्प से कोहेसिव फोर्स क्या होता है सेम मटेरियल किसी एक मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स जैसे कि ये पेपर लिया है हमने तो इसके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो कोहेसिव फोर्स है दूसरा फोर्स होता है एडेसिव तो एडेसिव जैसे दो डिफरेंट डिफरेंट डिफरें डिफरें मटेरियल्स एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स पर जो फोर्स लगाते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होता है एडेसिव फोर्स जैसे कि ग्लास में पानी डाला तो ग्लास के, के, तो के मॉलिक्यूल्स और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एडहेसिव फोर्स होगा अब यहाँ वापस क्वेश्चन पर आते हैं कि जो मरकरी है बच्चों उसका कोसेव फोर्स बहुत ज़्यादा है मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला कोसेव फोर्स ग्लास और मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले एडहेसिव फोर्स से कहीं ज़्यादा होता है इसलिए ये उससे चिपकता नहीं है उससे दूर हटता है और इसकी फ्री सरफेस जो है वो क्या इस एक स्फीयर शेप लेने की कोशिश करेगी तो यहाँ पर ऐसे ये कर्व बन जाता है तो कर्ड सरफ़ेस बनने का रीज़न क्या है कि मर्करी के मॉलिक्यूल्स का कोहेसिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा है एडहेसिव फोर्स से ग्लास और मर्करी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लग रहा है इसलिए ये कॉन्वेक्स सरफेस बना लेती है और जो एंगल बनता है वो ऑप्टूज एंगल बन जाता है अब देखते हैं इसका बी पार्ट बच्चों बी पार्ट है वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास सरफेस tends टू स्प्रेड आउट वाइल मर्करी ऑन द सेम surface tends टू फॉर्म ड्रॉप अगर ऐसे ये ग्लास की सरफेस है इस पर कुछ थोड़ा सा पानी गिर जाए तो वैसे फैल जाएगा लेकिन अगर उस पर मरकरी गिर जाए तो वो ऐसे स्फेरिकल ड्रॉप्स की फॉर्म में रहेगी मतलब चिपकेगी ही नहीं ग्लास की सरफेस से तो हमको यही बताना है यहाँ पर कि जो वाटर है वो ग्लास को गीला कर देता है लेकिन मरकरी नहीं करती तो फिर इसका रीज़न यही है बच्चों कि जो कोसेव फोर्स है मरकरी की वो ज़्यादा है ग्लास और मरकरी के बीच में लगने वाले एडहेसिव फोर्स से इसलिए वो ग्लास पर चिपकती नहीं है वाटर के केस में क्या है कि एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला कोसेव फोर्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले कोसेव फोर्स से ग्लास और वाटर के बीच में लगने वाला जो एडहेसिव फोर्स है वो ज्यादा है इसलिए वाटर ग्लास की सरफ़ेस पर चिपक जाता है अब देखते हैं बच्चों इसका सी पार्ट सरफ़ेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफ़ेस। बच्चों हमें सरफ़ेस टेंशन का फॉर्मूला पता है सरफेस टेंशन क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ तो अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ तो ये जो फोर्स है सरफेस टेंशन में जो फोर्स है वो तो लेंथ पे डिपेंड करता है किसी लिक्विड की सरफेस पर हम एक लाइन इमेजिन कर लेते हैं ना और उस लाइन की यूनिट लेंथ पे लगने वाले फोर्स को ही सरफेस टेंशन बोला जाता है तो अब ये जो फोर्स है ये लाइन पर डिपेंड कर रहा है एरिया से इंडिपेंडेंट है इसलिए सरफेस टेंशन भी एरिया से इंडिपेंडेंट होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ है और फोर्स लेंथ पे डिपेंड कर रहा है इसलिए सरफेस टेंशन भी लेंथ पे डिपेंड करेगा एरिया से इंडिपेंडेंट होगा अब डी पार्ट देखते हैं बच्चों इसका डी पार्ट है बच्चों वाटर विद डिटर्जेंट डिजोल्व इन इट शुड हैव स्मॉल एंगल्स ऑफ कॉन्टैक्ट तो बच्चों जब पानी में डिटर्जेंट को डिजोल्व किया जाता है तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है सरफेस टेंशन डिक्रीज होने का मतलब है कि एंगल ऑफ़ कांटेक्ट भी डिक्रीज हो जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज होने से जो ये लिक्विड है जो सॉल्यूशन है डिटर्जेंट का ये अब ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है ठीक है ना सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गया तो अब ये ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है और ज़्यादा स्प्रेड होगा मतलब कपड़ों के कोने कोने तक रेशे रेशे तक चला जाएगा अब और वहाँ से डस्ट और डर्ट को खिंच के लाता है तो इससे क्लीनिंग में हेल्प मिलती है ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं कपड़े तो इसीलिए डिटर्जेंट का यूज़ किया जाता है क्लोथ्स को क्लीन करने में तो बच्चों आपको ये डी पार्ट भी आ गया होगा समझ में अब इसका हम लास्ट पार्ट देखते हैं ई पार्ट ई पार्ट है अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप तो बच्चों ये तो सरफेस टेंशन की ही प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन क्या है टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया तो कोई भी लिक्विड जब फ्री होता है कोई शेप ऑक्यूपाई करने के लिए तो वो स्फेरिकल शेप लेता है क्योंकि उसको मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना होता है और किसी गिवन वॉल्यूम के लिए स्फेरिकल शेप का सरफेस एरिया सबसे कम होता है बाकी किसी भी शेप के कंपेरिजन में स्फेयर का सर्फेस एरिया सबसे कम होता है इसलिए कोई भी लिक्विड हमेशा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो स्फेरिकल शेप में होगा जैसे आप देख सकते हैं कि नेचर में आपको जो शेप मिलेंगी वो स्फेरिकल मिलेंगी जैसे प्लैनेट्स हैं इससे हम समझ सकते हैं कि कोई भी लिक्विड अगर कोई शेप लेने के लिए फ्री है तो वो स्फेरिकल शेप ही लेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन तो बच्चों ये थे क्वेश्चन नंबर वन एंड टू आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं